हेलो फ्रेंड, आज मेरे पास एक एलजी का सेट आया है, सीआरटी टीवी आया है। इसका प्रॉब्लम मैं आप लोग को ऑन करके दिखाता हूँ। सर थोड़ा ऑन करिए। तो देखिए टीवी ऑन हो गया है अभी। तो देखिए लाइनिंग आ रहा है, देखिए ये प्रॉब्लम इसका। देखिए यहाँ पे टॉप साइड पे रिट्रेस लाइनिंग आ रहा है, देखिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही है। इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन हम आप लोग को बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को स्किप ना करें। हम आपको बता रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है इसका। तो फ्रेंड देखिए, ये एलजी का टीवी है, इसका देखिए किट है। ठीक है, ये देखिए आपका पीसीबी पूरा किट है। तो प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये वर्टिकल सेक्शन में प्रॉब्लम है। हॉरिजॉन्टल ऊपर से टॉप बटन में देखिए लाइनिंग आ रहा है, इसमें आपको दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। देखिए देखिए लाइनिंग आ रही है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया है 100 माइक्रोफेराड और 35 वोल्ट या 50 वोल्ट या 25 वोल्ट का रहता है। ठीक है, तो इसको चेंज कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर इसको चेंज करने पे भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आईसी के पिन पे वोल्टेज आप चेक करिए। अगर वोल्टेज ओके है तो एक बार आईसी को आप चेंज करके देखें। ठीक है, तो हम इसको पहले चेंज कर रहे हैं। ये देखिए पिन नंबर 6 से इसका प्लस, जो कैपेसिटर का प्लस सिरा है पिन नंबर 6 से जुड़ा रहता है, तो ये फिल्टर प्योर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको हम चेंज करके देखेंगे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड हम इसको चेंज करके आप लोग को दिखा रहे हैं ऐसे ऊपर से ही लगा के। ठीक है, तो फ्रेंड मैंने कैपेसिटर को बाहर निकाले है। देखिए 50 वोल्ट 100 माइक्रोफेराड का है, इसके जगह पे हम ये 50 वोल्ट 100 माइक्रोफेराड का नया लगाएंगे। और मैं टीवी को ऑन करके फिर आपको दिखाता हूँ मैं लगा के। तो फ्रेंड्स हमने कैपेसिटर को चेंज कर दिया, इसके जगह पे वही सेम वैल्यू का लगाया 50 वोल्ट और 100 माइक्रोफेराड का। तो टीवी को मैं ऑन कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए इंडिकेटर जल गया मेरा, तो मैं इसको सामने से आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ फ्रेंड ए वी टू लिख के आ गया, लेकिन यहाँ पे कोई लाइन नहीं, प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड ऐसा प्रॉब्लम आया तो पहले आप कैपेसिटर को ही चेंज करें, फिर चेंज करने में नहीं आता तो वोल्टेज को आप देखें। वोल्टेज अगर प्रॉपर है, सभी पिन पर प्रॉपर वोल्टेज मिल रहे हैं, तो आप फिर उसके बाद आप आईसी को चेंज करें। ठीक है, पहले आईसी ही चेंज मत करिए। ठीक है, तो फ्रेंड मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप मुझे फ़ोन ना करें, मुझे व्हाट्सअप करें, लेकिन फ़ोन ना करें। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।